सुशासन कितनी भी हो बिहार में, पर शिक्षा प्रणाली की जो दुर्दशा है वो दुर्दशा इस कदर है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। स्वागत है आपका बीटी न्यूज बिहार में, मैं हूँ अविनाश भट्ट। अभी मैं खड़ा हूँ मिर्जापुर बंदुवार के वार्ड नंबर 42 में, और यहाँ की मिडिल स्कूल की जो व्यवस्था है, गाँव वालों के द्वारा जो बताया गया कि यहाँ के स्कूल प्रशासन को पहले से इस स्कूल को नवीनीकरण करने के लिए 2007 और 2006 में ही इसके आवंटन के लिए पैसे मुहैया कराए गए थे सरकार के द्वारा, पर निजी सहयोगियों और पिछले प्रधानाध्यापकों की मिलीभगत से आज तक ये स्कूल बन नहीं पाया। आप हमारे पीछे सीधे देख सकते हैं स्कूल को किस तरीके से खड़ा कर दिया गया और छत की ढलाई आज तक नहीं हुई है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ है? आज वर्तमान के जो प्रधानाध्यापक हैं, आज मैं उनसे मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों है स्कूल की। आइए मिलते हैं। पैसा आया हुआ था, हम लोग को भी पता चला कि जब पता चला तो 5 किलन मिट्टी गिर गया वहाँ पे, उसके बाद बंद हो गया कार। हमको लगा क्या हो सकता है टीचर भराने, लेकिन गांव के माहौल से पता चला कि इस स्कूल में फंड आया हुआ है मिट्टी भराने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला नहीं, अपना मास्टर ट्रेनर गिरा को सब पैसा। स्कूल की आप यहाँ के निवासी हैं? यहाँ के निवासी। इस स्कूल की ऐसी परिस्थिति कब से है? ये सर हम जब बच्चे थे 2003-04 से, तब ये इस स्थिति में चल रही है स्कूल, मतलब हमेशा से ऐसा ही है, एकदम हमेशा कोई देखने वाला है इसको। जिस तरीके से गांव वासियों का फीडबैक मिल रहा है इस तमाम परिस्थितियों को लेकर, तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी भयावह स्थिति है यहाँ, और सरकार को, प्रशासन को और यहाँ के जनप्रतिनिधि को इन तमाम चीजों के लिए एक बार सोचने की आवश्यकता है। मैं लगातार बना हुआ हूँ यहाँ। आइए मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से बात करता हूँ और इस चीज की जानकारी लेता हूँ कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि विगत कई वर्षों से इस विद्यालय का कार्य वहीं तक सीमित हो गया, उससे आगे क्यों नहीं बढ़ा। आइए मैं प्रधानाध्यापक महोदय से बात करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश यादव है जी। ऐसी परिस्थिति सर आखिर क्यों है सर यहाँ पे? उस समय के, चूंकि हमारे आने के बहुत पहले ही जो तत्कालीन हेडमास्टर थे वो इतना बना करके उसके बाद जो है चले गए। हम जब आए तो उसके पहले वाले हेडमास्टर और उसके पहले वाले भी उनको किसी को ये प्रभार नहीं दिया गया जी। इसके बावजूद हम सर्व शिक्षा अभियान से जेई और विभाग को भी जैसे ये लिखित दिए, लेकिन उनका कहना था क्या कि 2016 में चूंकि हम आए तो 2016 से सर्व शिक्षा में कोई इसका योजना नहीं आ रहा, इसलिए जब आएगा तो देखा जाए। सब पहली प्राथमिकता इसी स्कूल को दी। सर कहीं ना कहीं तमाम सुविधाओं से वंचित रहा है ये मैदान, जैसा मैं देख पा रहा हूँ स्कूल की जो व्यवस्था है सर बहुत संकुचित है, और यहाँ मेरे हिसाब से सर कई वर्षों से शायद इसका कार्य ऐसे ही स्थगित है। आप इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस स्कूल के प्रति कि कहीं ना कहीं जो कार्य स्थगित है उसको पूर्ण किया जाए, इस पे सर आप क्या कहेंगे? चूंकि अगल बगल रोड पूरा ऊंचा हो गया, बगल में घर बन गया, जिस वजह से ये जो जगह जो है मैदान जो हो गया बहुत नीचे पड़ गया जी जी, और अगल बगल का सारा पानी बह करके जैसे यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि इसको भराने का मतलब है कम से कम 1 लाख रुपए मिनिमम जैसे लगेगा। गांव वालों की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ मिट्टी भरवाने के लिए भी सरकारी पैसे, सरकारी अनुदान मिला है स्कूल को, ऐसा कुछ नहीं, है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई योजना भी नहीं है इस विभाग में मिट्टी भरवाने के लिए, कोई योजना भी नहीं है जी। और हमने तो नगर निगम तक जो है प्रयास किया और विभाग को भी, लेकिन मिट्टी भराने के लिए कहा, कोई योजना नहीं। सर आशा करते हैं कि आप इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं और आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, और जिस तरीके से ये पुराना कार्य बहुत सालों से स्थगित पड़ा है इस पर आपकी नजर जाएगी और प्रशासनिक रूप से इस पर काम किया जाएगा। हम चाह रहे हैं कि इधर जब विकास का अगर कुछ भी आए तो थोड़ा सा हम लोग अपना सहयोग करके भी कम से कम हमारे यहाँ
चार दीवारी की इतनी ज्यादा जरूरत है, कम से कम चार दीवारी बन जाएगा तो पानी कम से कम जैसे उधर का वही सब पूरा वहां से बह करके आ जाता है। तो कम से कम हम चार दीवारी में थोड़ा बहुत अपना भी प्रयास करके भी चाहेंगे क्या की जो करना, क्योंकि इस बार विकास मंच का भी जैसे पैसा नहीं दिया गया था अधिकांश स्कूल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बीटी न्यूज बिहार के साथ बात करने के लिए। मैं लगातार बना हुआ हूं, आइए मैं फिर से आपको इस स्कूल की पूरी परिस्थिति से अवगत कराता हूं कि किस तरीके से विगत कई वर्षों से ये पूरा कार्य स्थगित है और इससे किसी इन्हीं सरकारी पदाधिकारियों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं दिखाई है। आप हमारे पीछे सीधे देख सकते हैं किस तरीके से आधा कार्य संपन्न हुआ है और आधा कार्य पड़ा हुआ है। पूरे स्कूल प्रांगण में जिस प्रकार से पानी का जल जमाव होता है, ना इसको कोई देखने वाला है, और जिस प्रकार से स्कूल का अर्ध निर्माण ही हो पाया है, ना इसको कोई देखने वाला है। आप बने रहिए बीटी न्यूज बिहार के साथ, मैं हूं अविनाश भट्ट।